प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का प्राथमिकता के आधार पर हो वितरण, बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की न होने पाए समस्या। अवैध रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाले गैंग के 4 सदस्यों के ऊपर खजनी थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा किया दर्ज। एसपी साउथ ने कहा, अभियुक्त एक ही जमीन का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई लोगों को थे बेचते। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। यूपीएसएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 67 केंद्रों पर सकुशल हुआ संपन्न। 32,688 परीक्षार्थियों में से 22,234 परीक्षार्थी परीक्षा में हुए शामिल। 10,454 परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। जिला पंचायत सदस्य का बांसगांव थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। एसपी साउथ ने कहा, मुकदमा दर्ज कर की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। यूपीएसएससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में एमएसआई इंटर कॉलेज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले सॉल्वर पंकज पटेल को कोतवाली थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रताप महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मुख्य अतिथि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह ने कहा, मातृभाषा में चिंतन और सांस्कृतिक अस्मिता की संवाहक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेवा की दृष्टि से शिक्षा ग्रहण करना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है महंत दिग्विजय नाथ के राष्ट्रवादी विचारों का समावेश। जनपद में पेट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को 200 से अधिक बसों के माध्यम से परिवहन निगम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है उनके गंतव्य को। परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, आवश्यकता के अनुसार दूसरे डिपो के बसों को भी बुलाकर अभ्यर्थियों को बैठाकर भेजा जा रहा है घर। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्त वीरेंद्र निषाद को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1.5 किलोग्राम नाजायज गांजा किया बरामद, भेजा जेल। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के तत्वावधान में 10वीं जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। विभिन्न विद्यालय के 160 बच्चों ने किया प्रतिभाग। 50 ने स्वर्ण, 48 ने रजक तथा 41 बच्चों ने कांस्य पदक किए अर्जित। डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ गोरखपुर के सचिव गुलशेर सिंगल ने कहा, प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने पर भी देना चाहिए ध्यान। और जनपद में अगले 2-4 दिनों में सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर के घटने की है संभावना। बड़हलगंज और गोला को 2 जोन में विभाजित कर जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में किया गया नामित। बाढ़ से प्रभावित 240 गांव में करीब 300 नाव और 12 मोटर बोट की सहायता से राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है जारी, जिला आपदा विशेषज्ञ ने दी जानकारी।